हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। यहाँ पापा से मैं मिलने गई कुछ टाइम बाद, और मैंने पापा को पहले प्रणाम किया। उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए थे और मिस्टर राज भी कार सर्विस में कार देने गए थे, बट आज नहीं हो पाया था। और यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। और फिर थोड़ी देर बाद लग गई थी बहुत तेज भूख, तो हम चले गए थे। आंटी सबको ही था, सबको लिया था। फिर हम खाने लगे, बहुत तेज भूख भी लग गया था। मेरा हड्डी कैसे दिख रहा है। और यहाँ भैया थे, भैया सारा कुछ पहले ही से खरीद के रखे हुए थे। तब तक मिस्टर राज गए थे उधर मोमोज वगैरह लाने के लिए, तो मोमोज ये लेके आए। बाकी चाउमिन वाउमिन हम खाए थोड़ा बहुत दिन के बाद, फिर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा खाना, अब चलते हैं खाने। फिर खाना खाने के लिए हम निकल गए मोमोज खाने के बाद, क्योंकि ये पोटैटो चिली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं खा पी के, और अभी नर्स से अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। तो यहाँ पे नर्स लोग ऐसा है ना कि वो लोग खुद ही ऑर्डर देने लग जाता है, ये कीजिए वो कीजिए, ये दवाई दीजिए ये दवाई निकालिए, सिरिंज को उसमें रखिए। लेकिन नर्सेज का काम यही होता है कि वो सारी चीज़ों को अरेंज करके रखें और वो खुद निकालें। तो मैं आया तो मैं देखा कि मम्मी को पटापट बोले जा रही है ऐसे कीजिए वैसे। मैं कि मैम ये नर्स का काम है ना, तो फिर तुरंत करने लगी सारा कुछ। चलो खैर कोई बात नहीं है। अभी पापा यहाँ पे लेटे हुए, इंजेक्शन लगा एक, बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। थोड़ा पेन वेन है अभी, थोड़ी देर में सब ठीक होने का, थोड़ी देर क्या मतलब टाइम तो लगेगा, 2-4 दिन, उसके बाद सब थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पे पापा का कुछ चेंज वगैरह करना था, यहाँ चेंज भी हो रहा था। हाथ पे सारा कुछ अच्छे से लगाना था, पानी भी चढ़ रहा था एक साइड, और फिंगर का मूवमेंट भी करना ज़रूरी था। गाइस तो अभी हॉस्पिटल में है हम लोग, और अभी सब लोग आए मिलने यहाँ पे। हेलो, आप लोग हैं? हाँ, गोरखपुर से ही है। तो ये लोग वीडियो देखे थे, आज पता था हम लोग आएंगे? हाँ, मतलब देखते थे ना, रोज ब्लॉगिंग करते थे हम लोग, रियल टाइम पे ब्लॉग आ जाते हैं। एकदम टाइम पे वीडियो आ जाता है, इसलिए सब लोग देख के वीडियो फटाफट आए कि जल्दी से चलते हैं मिलने। अच्छा लगा आप लोग आए टाइम पे वीडियो। लेकिन गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा हॉस्पिटल के अंदर, मतलब ठीक है आ रहे हैं लोग, लेकिन बाकी स्टाफ को दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने पूछी नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं ना, हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा। बाकी हम लोग अब निकल रहे हैं थोड़ी देर में यहाँ से, तो और लोग पीछे पीछे से अगर आएंगे तो सबको लगेगा कि हम लोग यहीं पे, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं है, हम लोग अब निकल रहे हैं 10-15 मिनट में यहाँ से। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ मिस्टर राज और अभी हम भी हैं यहाँ, तो बस हाथ का ऑपरेशन अभी वाला जो हमने वीडियो डाला है, बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत लोगों ने ब्लेसिंग दिया, अच्छा लगा। और बस जल्दी पापा आप ठीक हो जाएंगे, फिर घर तो अभी नहीं जा पाएंगे पापा, लेकिन देखते हैं। हम लोग को तो अभी जाना भी है, क्योंकि शादी वादी के सब कार्ड वगैरह भी है, तो उसके लिए भी मिस्टर राज को बहुत जगह जाना होगा। एंड कार्ड कल रात में ही जो भी था सबके साथ मिल के ये सारा सही किए, सब कवर में रखे, जो कार्ड होता है वो कवर में होता है, तो सब कवर में रखे। यहाँ ये है, और यहाँ पे मेरे चाचा, ये चाचा रहते हैं दुबई में आबू धाबी, दुबई में आबू धाबी ना, आबू धाबी यूएई है, यूएई के अंदर है ना, आबू धाबी है, यूएई ये आबू धाबी है ना, ये इसका कैपिटल है। आबू धाबी कैपिटल है। हम चाचा से पूछ रहे थे कहाँ सबसे ज्यादा मन लगता है, चाची के पास कि दुबई? अब क्या परिवार से किसी को भी अच्छा लगता है नहीं, मेरे परिवार को मतलब क्या करेगा, मजबूरी है। जब जाना होता है तो ये चाची रोती है कि नहीं? चाची तो रोती है, क्यों नहीं रोती है, अभी देखिए अभी बात करें, अभी देखिए चाची का विषय ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जाना पड़ता है, क्या करिए, काम हम है तो जाना ही पड़ता है, काम है, अच्छा नहीं लगता। बच्चा लोग का, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई है तो वो अच्छा नहीं है, यहाँ क्या करेंगे लोग, अपना जिंदगी। कभी चाची को भी लेके चला जाएगा घुमाने, पासपोर्ट बना लो। अमित भैया, मम्मी यहाँ पे, भैया का मालिश करने के लिए बोल रही है, भैया का भी थोड़ा कमर दर्द है, बहुत मानती है। और यहाँ देख सकते हैं भैया, यहाँ पापा है, अरे टैटू बनवाए हैं,
सलमा माँ और कुछ नहीं खाली माँ डिजाइन मम्मी मालिश करिए भैया का ये भैया के दोस्त हैं लेकिन भैया जैसे मेरे शादी में खूब काम किए हैं खूब खटे हैं ना मम्मी शादी में बहुत संभाले हैं कौनों बेचारा टेंशन ना कर मेरे शादी में टाइम से खाना भी नहीं खाते थे तो बस ये भी आए हम लोग के साथ एगो हम एगो भाड़ा मोकले भाई सब नहीं के हमर के शादी में लो हां 27 28 में गए सब बेस्ट नंबर सब के हम को हम लोग शादी वैष्णो माता जाना होगा तो पहले अंबाला आइएगा अंबाला वाला घर पे मम्मी पापा कृष्णा भैया निशा गए मुरारी भैया गए नहीं तो हम बोले थे कि आइएगा कभी घूमने के लिए और आप भी लीजिएगा अम्बाला वाला घर पर आप लोग आते ही नहीं अम्बाला वाला घर पे मुरारी भैया पापा वैष्णो देवी गए थे मम्मी भी गई थी वैष्णो देवी जाने पे एक अलग ही लगता है बहुत अच्छा और अभी मिस्टर राज थोड़ा सा कभी पैर पूरा दुख गया है कार चलाते टाइम फिर बोल रहे हैं अभी निकलने के लिए तो देखते हैं क्या होता है बाकी अभी पापा को कुछ खाना पीना नहीं खाना है डॉक्टर शाम को बोला था कि चाय पीना है बिस्किट खाना है पानी पी लेना है कि सुबह से ऑपरेशन करना था तो कुछ भी नहीं खाना था और उसके बाद से खाना में खिचड़ी खाना है तो खिचड़ी आ गया है और पापा अब खिचड़ी खाएँगे थोड़े देर में बाकी बहुत लोग आए मिलने अच्छा लगा यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर में काम करती हैं वो भी हमारी वीडियो देखती हैं तो वो भी आएंगी बोली कि थोड़ी देर में आएंगे फोटो खिंचवाने अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बस थोड़े देर में अभी यहाँ पे पापा है पापा से पूछते हैं पापा क्या हाल चाल है अभी यहाँ पे सब पाइप वगैरह लगा हुआ है ब्लड वगैरह का तब अभी ठीक हुआ हाँ तो दुखा था हल्का हल्का दर्द कर रहा है इस हाथ का लेफ्ट हैंड का ऑपरेशन हुआ है तो इसमें कुछ कुछ चीज़ लगा हुआ है अभी नट वगैरह जो भी लगना था वो लगा हुआ है बाकी पानी चढ़ गया और अब घर जाने का मन कर रहा है घर तक जाने का मन कर रहा है बाकी अब डॉक्टर साहब छुट्टी देंगे तब तो हम जाएंगे अभी दो चार बाद में बहुत सारे लोग बोल रहा था कि दीदी आप टेंशन मत लो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे तो बस जल्दी से सब ठीक हो जाएगा अभी पापा का फिंगर उंगर अच्छे से मोड़ाना पड़ेगा हाँ तो ही लाना पड़ेगा फिंगर ताकि मैच चलता रहेगा तो बस बने रहिए आप लोग और खूब सारा ऐसे ही ब्लेसिंग दीजिए ताकि ऑपरेशन तो हो गया बस इसको रिकवर करने में एक साल लग जाएगा डॉक्टर बोला है मतलब रिकवर क्या ठीक होने में थोड़ा अच्छे से एक साल लगेगा फिर चेंज वगैरह जो भी होगा अंदर जो चीज़ लगा है उसको निकालना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें होगी बाकी अभी मम्मी आंटी आई हैं तो वो लोग भी बाहर हैं तब तक हम हैं क्योंकि मम्मी तो यहाँ रहती हैं देखने के लिए बस बने रहिए आपको जाने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट्स कर देना आप लोग खूब सारा ब्लेसिंग देना बाय बाय लव यू और इतना सारा प्यार देने के लिए इतना सारा मेरे पापा के लिए ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू